आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू होंडा की लीवो को यहाँ पे ऑल न्यू होंडा की SP125 से। दोनों ही फ्रेंड्स यहाँ पे E20 अपडेटेड वाला मॉडल्स है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको E20 की बैजिंग मिल जाएगी SP125 में भी, और लीवो में भी फ्रेंड्स आपको E20 की बैजिंग मिल जाती है। दोनों के फ्रेंड्स अगर आप प्राइसिंग डिफरेंस को देखते हैं तो लगभग में 7 से 8 हज़ार रुपये के अप्रॉक्स का है, मतलब ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी बाइक के साथ हम जाएं, कौन सी बाइक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन रहेगी। तो अगर आपका ये बजट 1 लाख रुपीज़ के अप्रॉक्स का था तो आप आज के इस वीडियो को देख लें, क्योंकि दोनों ही बाइक्स यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ के आपको बजट में मिल जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीवो के प्राइस के बारे में। तो लीवो ऑन रोड जा रही है 95,400 रुपीज़ के अप्रॉक्स में। इसका ड्रम ब्रेक वाला मॉडल है ये। और अगर आप SP के फ्रेंड्स ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं तो ये बाइक आपको मिलेगी 1,02,500 रुपीज़ के अप्रॉक्स में। तो दोनों में यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप प्राइसिंग डिफरेंस देखते हैं तो लगभग में यहाँ पे 7 से 8 हज़ार रुपये का आपको मिल जाता है, जिसमें कि अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों के फ्रंट हेड को देखेंगे तो काफ़ी हद तक यहाँ पे बाइक्स आपको सिमिलर लगेगी। बट फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपको लाइट्स है SP में मिल जाता है LED में, और ये फ्रेंड्स हाई बीम लो बीम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। बाकी यहाँ पे अगर आप लीवो में देखते हैं तो यहाँ पे आपको कंपनी हेलोजन बल्ब में लाइट्स प्रोवाइड करती है, इंडिकेटर्स भी आपको यहाँ बल्ब में मिलता है, और यहाँ पे अगर आप SP में भी देखते हैं तो आपको इंडिकेटर्स कंपनी बल्ब में प्रोवाइड करती है। दोनों के यहाँ पे फ्रंट के वाइजर में आपको फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो टॉल डिज़ाइन में मिलता है, न्यू ग्राफिक्स का यूज़ किया गया है, और फ्रंट का फेंडर आपको बॉडी कलर में ही मिलेगा। बाकी अगर टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो इसका जो टायर है फ्रंट का वो है 80x100 का, 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स पर माउंट है, और ये थोड़े प्रीमियम डिज़ाइन वाले अलॉय व्हील्स है। अगर आप वहीं लीवो में देखते हैं तो यहाँ पर आपको सिंपल से अलॉय व्हील मिल जाता है, सेम टायर्स का यूज़ किया गया है 80x100 का। और फ्रेंड्स दोनों ही बाइक्स में यहाँ पर आ जाता है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। तो अगर आप फ्रंट का ब्रेक प्रेस करते हैं तो रियर का भी कुछ पार्ट यूज़ हो जाता है, जिससे कि टायर वगैरह स्किड करने का चांसेस काफ़ी कम हो जाता है। और वहीं अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं तो 4 स्पीड गियर बॉक्स का सेटअप मिलेगा, ये 110 cc का इंजन के साथ आती है। ये फ्रेंड्स 125 cc का आपको यहाँ इंजन मिलता है, ये 5 स्पीड गियर बॉक्स का सेटअप यहाँ पर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा पावर आपको देखने को मिल जाएगा SP125 में। बाकी सीट्स दोनों में आपको सिंगल में कंपनी प्रोवाइड कर देती है, साड़ी गार्ड यहाँ पर लगा हुआ है फ्रेंड्स, लेडीज़ फुटरेस्ट आपको मिल जाता है, कवर्ड में कंपनी चेन प्रोवाइड करती है। वही अगर आप यहाँ पे भी देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको फ्रेंड्स सेम ही मिलेगा, तो कोई मेजर यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। बट अगर आप फ्रेंड्स डिस्प्ले में देखेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख जाएगा। लीवो का जो डिस्प्ले है वो आपको मिलता है एनालॉग प्लस डिजिटल वाला, जो कि कुछ इस टाइप का आपको कंपनी ऑफर करती है। और वहीं अगर आप फ्रेंड्स SP में देखते हैं तो फुली डिजिटल डिस्प्ले आपको मिल जाता है, जिसमें कि गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर वगैरह सब यहाँ कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, जो कि आपको लीवो में नहीं मिल पाता है। बाकी यहाँ पे आपको मिलता है इंजन किल स्विच, इलेक्ट्रिक स्टार्ट इस साइड में आपको मिल जाता है, यहाँ पे हाई बीम लो बीम पास इंडिकेटर्स और हॉर्न। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो हाई बीम लो बीम आपको मिलता है, बट यहाँ पे पास कंपनी नहीं प्रोवाइड करती है। बाकी ऑलमोस्ट यहाँ पे सिमिलर है, सिंगल पीस में हैंडल बार है। इसका जो टैंक है वो थोड़ा सा आपको फ्रेंड्स मतलब स्मॉल लगेगा, छोटा लगेगा SP125 के टैंक के कंपेरिजन में। बाकी अगर आप बैक से डिज़ाइन देखते हैं तो कुछ ऐसा डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दोनों में यहाँ पे टेल लाइट्स आपको कंपनी बल्ब में ऑफर कर रही है, और दोनों में ही फ्रेंड्स अगर आप बैक से लुक्स देखते हैं तो काफ़ी हद तक यहाँ पे आपको सिमिलर मिल जाता है। ग्रैब हैंडल्स बॉडी कलर में ही आपको मिलेगा दोनों बाइक्स में। और दोनों का फ्रेंड्स अगर आप रियर टायर देखते हैं तो उसमें भी डिफरेंस है। इसका जो रियर का टायर है वो इस बार कंपनी ने वाइड कर दिया है, यहाँ पर 100x80 का आपको टायर मिलता है, जो कि 18 इंचज़ के अलॉय व्हील्स पर माउंट है, और यहाँ पर आपको सेम 80x100 का टायर मिलता है, जो कि कंपनी आपको फ्रंट वाला ही प्रोवाइड कर रही है। किक आपको यहाँ पर भी मिल जाता है, ESP टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, होंडा का एनहेंस स्मार्ट पावर, सेम आपको भी यहाँ पे ESP मिल जाता है, किक स्टार्ट कंपनी ऑफर कर रही है। तो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंसेस जो है वो फ्रेंड्स आपको मिल जाता है पावर में, और यहाँ पे परफॉर्मेंस में और फीचर्स में। तो SP125 फ्रेंड्स एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे आपको LED लाइट्स मिल जा रहा है, और डिज़ाइन यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा जो है वो मिल जाता है। और फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं तो ज़्यादा पावरफुल इंजन आपको मिल रहा है, माइलेज जो है वो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको लीवो में मिल जाता है 65 के अप्रॉक्स का, और सेम यहाँ पे आपको SP में भी मिलता है फ्रेंड्स 65 के अप्रॉक्स का। तो माइलेज में भी यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप अपना राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके हिसाब से कौन सी बाइक यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है दोनों में से, जो भी फ्रेंड्स होता है आप ज़रूर से कमेंट करके बताएं। और अगर आपको बाइक लेनी है तो फिर आप सॉरी होंडा ग्रीडी में आकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बाइक का स्टॉक्स आपको मिल जाएगा। अभी जैसे फ्रेंड्स लीवो का और कलर ऑप्शन आता है आपके लिए वीडियो ले आएंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में बस यही था। तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ, थैंक यू फ्रेंड्स।